कुएं का तुमने दान किया था ना, उसके जल में विष है। लोहार समाज को अपने स्थान से ऊंचा उठने का दंड स्वयं भगवान ने दिया। उस समाज से जिन जिन ने भी कुएं के जल को स्पर्श किया, उनकी मृत्यु हो रही है। जल में यदि विष होता तो मेरी मृत्यु क्यों नहीं हुई? अति उत्तम, स्वयं मृत्यु का दान देकर रक्षा की अपेक्षा है। अवश्य इसका दोषी मेरे पुत्र कर्ण को ठहराएंगे। दादाजी चलिए। इन सब की हत्या करके अब मगरमच्छ के आंसू बहाने का क्या अर्थ है? क्या आपको इस बालक ने कुआं दान में नहीं दिया था? यदि इसमें कोई षड्यंत्र नहीं तो किस कारण इस बालक ने अपने ही सूद समाज के विरुद्ध यह निर्णय किया? अवश्य ही इस बालक को ज्ञान था कि जल में विष है। दिया था
फिर दान देने के पश्चात तुमने ही जल में विष मिलाया होगा। नहीं। लोहारों के विश्वास पे विजय प्राप्त करके तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है। महोदय, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है महोदय। यही सत्य है बालक, तुमने ही इन सब की हत्या की है। नहीं, मैंने तो केवल दान दिया था। यदि तूने ये दुष्टता की है तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। किंतु बालक, वरदान प्राप्त करने से पूर्व तुम्हें एक बात समझनी आवश्यक है। ये जलाशय मैंने नहीं सुखाए, ये मनुष्य के कर्मों से ही सूखते हैं। मनुष्य के कर्मों के विरुद्ध प्रकृति का ये कोप है। अब इस जलाशय का जल किसी को सुख नहीं दे पाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए अफसर, मुझे आपकी बात का सत्य समझ में नहीं आया। निर्णय तो केवल ग्राम रक्षक ही कर सकता है। रक्षा कीजिए। नहीं, इसने कुएं के जल में विष मिलाया है। इसका न्याय हम करेंगे। मगध ग्राम में केवल ग्राम रक्षक न्याय कर सकता है। अनुशासन करने का कार्य केवल मैं कर सकता हूं, वो अधिकार अन्य किसी को नहीं। किंतु महोदय, इस बालक ने हमारे कुएं के जल में विष मिलाकर हमारी हत्या का प्रयास किया। नहीं, ये
सत्य असत्य। सत्य और असत्य की परीक्षा का एक ही मार्ग है। पांडु का संदेश है कि हस्तिनापुर के भाग्य खुल गए। ईश्वर की कृपा से महान सम्राट के वंश में प्रथम राजकुमार का जन्म हुआ। रानी का कर्तव्य है सिंहासन को उत्तराधिकारी देना, किंतु तुमने मेरी सभी आशाओं को राख में परिवर्तित कर दिया। गांधारी, महापांडु की पत्नी ने कुरुवंश के जेष राजकुमार को जन्म दिया है और तुमने मुझे क्या दिया? शिव का कोई वरदान वास्तव में था या केवल महारानी बनने के लिए छल किया तुमने मुझसे? नहीं महाराज, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास? विश्वास का अर्थ जानती हो तुम? विश्वास प्रमाण देकर प्राप्त किया जाता है गांधारी, शब्दों से नहीं। किस प्रकार विश्वास करूं तुम पर? 2 वर्षों से गर्भ धारण कर रखा है तुमने, प्रसव क्यों नहीं हो रहा? एक उत्तराधिकारी की इच्छा की थी तुमसे मैंने, तुम मुझे वो तक ना दे सकी। आज तक अपमान से अधिक तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उपहास किया मेरा, अपने प्रसव को रोककर मुझे मेरे पुत्र के प्रेम से वंचित रखा। क्या कारण है गांधारी? तुम्हें हस्तिनापुर की सम्राज्ञी बनाया क्या? उसका दंड दे रही हो मुझे या तुम्हें अधिक से अधिक प्रेम किया मैंने उसका दंड दे रही हो मुझे? सुन लो गांधारी, या तो मुझे उत्तराधिकारी दो और अपने कर्तव्य का पालन करो, या फिर मृत्यु को प्राप्त करके मुक्त कर दो मुझे। आर्य, 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 कौन हो तुम मेरे गर्भ में? जन्म क्यों नहीं ले रहे हो तुम? क्यों जन्म से पूर्व ही अपनी माता से शत्रुता कर ली है तुमने? भगवान शिव, आपने मुझे वरदान दिया था या अभिशाप? अपने ही वरदान को सिद्ध क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? मेरे पुत्र का जन्म हो जाने दीजिए भगवान। मेरा गर्भ ही मेरे प्राणों का भार बन चुका है। प्रसव हो जाने दीजिए भगवान, प्रसव करवा दो या फिर मुझे मेरे जीवन से मुक्त कर दो। सब करवा दो या फिर मुझे मेरे जीवन से मुक्त कर दो। सब करवा दो या मुझे मेरे जीवन से मुक्त करो। सब करवा दो या मुझे मेरे जीवन से।
सूतपुत्र कर्ण, मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूं, क्या तुमने विष का प्रयोग किया था? नहीं। तो ठीक है, इस उबलते तेल में अपना हाथ डालो। यदि तुम्हारा हाथ जल गया तो तुम्हें असत्य कहने का दंड प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम सुरक्षित रह गए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि सत्य तुम्हारे पक्ष में है। नहीं। आप निश्चिंत रहिए माता, सत्य मेरे पक्ष में है, मुझे कुछ नहीं होगा। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगे और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूं। भगवान ने राजकुमारी को आश्वासन दिया था कि वो सदैव अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है। यदि कर्ण का कवच हस्तिनापुर में प्रकट हुआ तो ये समाचार महारानी कुंती तक पहुंच सकता है, यह संभव है। दया बहुत है, दया, वो बालक है। बालक जिस पर हत्या का आरोप है, बालक तुम सिद्ध करो कि तुम निर्दोष हो।
मैंने मिलाया था। मेरा पुत्र निर्दोष। अरे अरे ये क्या कह रहे हैं? नहीं पता श्री, नहीं यह सत्य है। ये सत्य है कर्ण, ये सत्य है। इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, मृत्यु दंड।